बॉलीवुड एक्टर हिमेश रेशमिया हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर और भीख मांगकर गुजारा करने वाली रानू मंडल से गाना रिकॉर्ड करवाने को लेकर भी हिमेश काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आखिर में वह समय आ ही गया जब हिमेश के डबल रोल वाली उनके करियर की गेम चेंजर कहे जाने वाली मूवी हैप्पी हाड़ी एंड हीर का इंदौर में प्रमोशन हुआ। इस दौरान हिमेश ने मीडिया के सामने कई तरह के खुलासे किए। बॉलीवुड में फिल्म तेरे नाम से अपना पांव जमाने वाले सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया बीते दिन अपनी अपकमिंग मूवी हैप्पी हाड़ी एंड हीर के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के तमाम सवालों के बखूबी जवाब दिए। हिमेश का कहना है कि रानू मंडल की आवाज़ में लता जी की तरह प्यास है, वह दर्द है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे रानू मंडल से तेरी मेरी कहानी गाना गवाया, जो कि वर्तमान में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला गाना है और देश में इस गाने को खूब प्यार मिला है। फिल्म के बारे में बताते हुए हिमेश ने कहा कि फिल्म 31 जनवरी को पूरे देश में यह मूवी रिलीज़ होगी और इसमें उनका डबल रोल है। हिमेश के मुताबिक यह फिल्म उनके करियर के लिए गेम चेंजर है और भारतीय दर्शक इस मूवी को बहुत पसंद करेंगे। करती है, लेकिन उसमें मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर, और हर एक्टर को एक गेम चेंजर फ्राइडे की ज़रूरत होती है, और वो गेम चेंजर फ्राइडे ये फिल्म मेरे लिए साबित होगी, बिकॉज एक्सपोज में मुझे आप लोगों से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, तो अब उसका सीक्वल बनने जा रहा है। लेकिन उस सीक्वल बनने से पहले मेरी वाइफ ने, जिसने स्क्रीन प्ले किया है इस फिल्म का, उसने कहा कि एक ऐसा परफॉर्मेंस तुम्हें अब देना चाहिए, तुम्हें मौके मिल रहे हैं, तुम्हारी फिल्मों का बिजनेस हो रहा है, कि तुम अपने परफॉर्मेंस से बहुत लोगों का दिल जीत सको। आपको बता दें कि बॉलीवुड में स्थापित हुए सिंगर, एक्टर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया है और उनके द्वारा गाए गए कई गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं, जिनमें झलक दिखला जा, तेरा सुरूर, आशिक बनाया आपने सहित करीब 700 से ज़्यादा गाने में अपनी आवाज़ देने वाले हिमेश का बीते समय तेरी मेरी कहानी गाने ने भी जमकर धूम मचाई। इंदौर में बीती शाम वाइक वैगन एंटरटेनमेंट के द्वारा एक इवेंट रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के सुपर सिंगर एक्टर हिमेश रेशमिया ने अपनी मूवी के प्रमोशन के साथ ही कई सुपरहिट गाने गाकर शीतल भरी रात में अपनी सुरीली आवाज़ से इंदौरियंस का दिल जीत लिया। हैप्पी हाड़ी एंड हीर 31 जैन को आ रही है और ट्रेलर इसका बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसके पहले हम प्रमोशनल कॉन्सर्ट करने आए हैं, जिसकी वजह से इंदौर आए हैं। आज बहुत खुश हैं यहाँ पर, एंड इसके गानों को आपने बहुत बहुत पॉपुलर कर दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। तेरी मेरी कहानी, आशिकी में तेरी दीदी क्यूटी पाए, और अब नया गाना आने वाला है टिकटॉक, और तेरी मेरी कहानी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि इट्स द मोस्ट सर्च सॉन्ग ऑफ 2019 ऑन गूगल, और लाइव परफॉर्मेंस भी आज होगा, और एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें मेरा पहली बार एक डबल रोल है, मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर, लेकिन एक गेम चेंजर फ्राइडे की तलाश हर एक्टर को होती है, जिसकी तलाश मुझे है, और उसके लिए बहुत मेहनत हुई है इस डबल रोल में। हरप्रीत सिंह लांबा, हैप्पी सिंह जो एक सरदार है, उसको हीर ने फ्रेंड जोन कर दिया है। तो अक्सर हम जिंदगी में देखते हैं कि कोई ना कोई लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को ये कहती है कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तेरी शादी तुझसे नहीं हो सकती, आई डोंट सी यू एज माय बॉयफ्रेंड। यही कहानी है हमारी हीर और हैप्पी की, और हीर की मोहब्बत एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी जो हार्डी है, हर्षवर्धन भट्ट, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे होती है, और क्या वो हैप्पी के पास वापस आती है या हार्डी के साथ जाती है, यही कहानी है। तो बहुत ही म्यूजिकल लव स्टोरी है, इसलिए हमने म्यूज़िक को पहले रिलीज़ किया ट्रेलर से, और एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें म्यूज़िक से बेहतर उसकी कहानी भी है। म्यूज़िक ही पॉपुलर नहीं है, पर बहुत ही गुड लुकिंग फिल्म है जो स्कॉटलैंड में शूट हुई, एंड परफॉर्मेंसेस पे लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म, एंड 31 जनवरी को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कम्प्लीट गेम चेंजर फ्राइडे।